अगर आप वैष्णो माता के दरबार गए होंगे तो आपको पता होगा कि माता के दरबार से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर है, जहां काले रंग का धागा चढ़ाया जाता है। तीर्थ यात्री इस धागे को भैरवनाथ को चढ़ाकर अपने साथ ले आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे पैरों में बांधने से पैरों का दर्द दूर हो जाता है, इसे कलाई में बांधने से दुर्घटना से बचाव होता है और नजर नहीं लगती है। इसी तरह के टोने टोटके में भी काले धागे का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि काले धागों में नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने की क्षमता होती है। दरअसल काले धागों को लेकर न सिर्फ धार्मिक मान्यता है, बल्कि इसका ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले धागे का संबंध शनि से है। इसके अलावा यह राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को भी कम करने में सहायक होता है। राहु केतु को ज्योतिष शास्त्र में ऊपरी चक्कर और नजर लगने का कारण माना जाता है। अभिमंत्रित किया हुआ काला धागा या शनिवार को शनिदेव की पूजा में इस्तेमाल काले धागे को कलाई में बांधने या गले में धारण करने से नजर दोष से बचाव होता है। काले धागे को धारण करने के बाद शनिदेव का मंत्र कम से कम 21 बार पढ़ना चाहिए। काले धागे पर 9 गांठे बांधने के बाद ही धारण करना चाहिए। काले धागों को मंत्रोच्चन करने के साथ ही पहनना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि काले धागे को किसी शुभ मुहूर्त जैसे अभिजीत या ब्रह्म मुहूर्त में पहनना चाहिए। अपने गोचर और दशा के आधार पर मंत्र का जप करना चाहिए। बेहतर होगा कि किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श करके इसको पहनना चाहिए। काले धागों को 2, 4, 6 या 8 के घेरे में बांधना चाहिए। जिस हाथ में काले धागा बंधा हो उस हाथ में किसी और रंग जैसे लाल या पीले रंग का धागा नहीं बंधा होना चाहिए। काले धागे को शनिवार के दिन बांधना अच्छा माना जाता है। काला रंग शनि ग्रह का प्रतीक है, इसलिए काले धागे को कुंडली के अनुकूल ग्रहों की दशा या प्रतिकूल ग्रहों के दोष के निवारण के समय ही करवाना चाहिए। काले धागे को नींबू के साथ आप घर के दरवाजे पर भी बांध सकते हैं, इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि काले धागे को अगर पूरी श्रद्धा के साथ बांधा जाए तो जीवन में किसी तरह की परेशानियां नहीं आती है और रुके हुए काम भी पूर्ण हो जाते हैं। शनिवार के दिन काले धागे को हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगाकर उसे गले में धारण करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। जिन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको काला धागा पहनना बहुत फायदेमंद रहता है।